ईरान ने पहली बार दुनिया को बताया है कि उसके पास मिसाइल शहर है। जानकारों का दावा है कि ईरान ने जानबूझकर इसराइल पर हमला करने में देरी की है। दावा किया जा रहा है कि ईरान 2,00,000 मिसाइलों से इसराइल पर हमला कर सकता है। देख लो इसराइल, ईरान के मिसाइल शहर। ईरान अब वो करने जा रहा है जिसका अंदाजा शायद इसराइल को कभी नहीं था। ईरान अब ऐसा हमला करने जा रहा है जिसकी भनक सिर्फ अमेरिका को लगी है। ईरान ऐसा खूनी बदला लेने जा रहा है जो इसराइल के कम से कम 10 शहरों को भस्म कर देगा। क्या ईरान के मिसाइल शहर इसराइल के लिए कयामत बनने जा रहे हैं? जरा देखिए, ईरान के वो मिसाइल शहर जिसका दावा हिजबुल्ला के बाद अब ईरान ने कर दिया है। ईरान की मिसाइल सुनामी से इसराइल में तबाही। 16 अगस्त को हिजबुल्ला ने पहली बार अपने 2 मंजिला ऊंचे मिसाइल बंकर को दिखाया और अब लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास से डंके की चोट पर ऐलान किया है कि ईरान के पास इतने बड़े और विशाल मिसाइल शहर मौजूद हैं कि इसराइल को पलक झपकते ही तबाह और बर्बाद कर डालेंगे। इससे पहले ईरान ने कभी भी अपने मिसाइल शहरों के बारे में दुनिया को नहीं बताया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इन मिसाइल शहरों में कम से कम 2,00,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2,000 किलोमीटर तक है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को दबा किया जा सके। खास तौर से आयरन डोम को ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इसराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा ताकि इजरायली सेना को संभलने का मौका ही ना मिले। ईरान अपने मिसाइल शहरों से एक ही बार में इतना बड़ा हमला करने जा रहा है जिसके बाद हो सकता है कि इजरायली सेना पलटवार करने के लायक ही ना बचे। जरा देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने क्या दावा किया है। ईरानी दूतावास ने खुलासा किया है कि ईरान में कई भूमिगत मिसाइल शहर मौजूद हैं और वो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करते हैं। ईरान का यह खुलासा स्पष्ट रूप से इसराइल को ध्यान में रखकर किया गया है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल शहरों का खुलासा करके इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी गंभीर चेतावनी दे दी है। हानिया के हत्याकांड के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के कमांडरों को कसम खिला दी थी कि इसराइल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 15 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इसराइल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इसराइल के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ धमकी ईरान को दी है कि अगर इसराइल पर ईरान ने तबाही मचाई तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इसराइल को जब से ईरान ने मिसाइल शहरों से हमले की धमकी दी है उसके बाद से पीएम नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों और रक्षा मंत्री यो गैलेंट के साथ लगातार मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि इसराइल को भी लगने लगा है कि ईरान और हिजबुल्ला एक साथ मिलकर उसके ऊपर मिसाइल, रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना के इस वीडियो को देखिए जिसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ईरान, हिजबुल्ला और हमास के हमलों से निपटने की तैयारियां देख रहे हैं। अपने टॉप कमांडरों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ आदेश दे दिए हैं कि ईरान हिजबुल्ला और हमास के साथ मिलकर बड़ा हवाई हमला कर सकता है जिसको लेकर इजरायली सेना बेहद गंभीर तैयारियों में जुटी है। इस वक्त इजरायली सेना का सारा फोकस गाजा और हिजबुल्ला के हमलों पर है। हिजबुल्ला पिछले 8 दिनों से लगातार इसराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्ला ने हमले बेहद तेज किए हैं जिसका मकसद इजरायली वॉर प्लान को डिकोड करके ईरान दूसरी तरफ से मिसाइलों की बौछार करना चाहता है। ईरान मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के मामले में बेहद माहिर माना जाता है क्योंकि उसके मिसाइल पावर जबरदस्त है। यहाँ तक कि रूस और चीन भी ईरान की मिसाइल पावर का लोहा मानते हैं। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इसराइल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसे इसराइल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइल मिले जो इसराइल को एक ही हमले में तबाह करके रख दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इसराइल पर घातक हमला नहीं किया है।
क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़ा हमला करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खास तौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से रूस और चीन लैस करना चाहते हैं जो इसराइल को बचने का मौका ही न दे, यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इसराइल के तेल अवीव पर सीधा और बड़ा हमला राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ हैं। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में गुप्त मीटिंग हुई जिसमें रूस ने तुरंत ही ईरान की सभी मांगे मान ली हैं। दावा किया गया है कि रूस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने IRGC के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की और उन्हें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें देने का रास्ता साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सैन्य परिवहन विमान IL-76 ने रूस से उड़ान भरी जिसने ईरान के गुप्त ठिकाने पर रूसी मिसाइल इस्कंदर को ईरान पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS भी दे दिया है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही तैयार की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इसराइल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है, जबकि रूस का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS ईरान को ऐसी क्षमता देगा कि इसराइल के लड़ाकू जेट और मिसाइलें हमला तक नहीं कर पाएंगे। अगर इसराइल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इसराइल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इसराइल का विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इसराइल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटांज परमाणु ठिकानों पर इसराइल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इसराइल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इसराइल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। कुल मिलाकर अब ये साफ हो चुका है कि हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान जबरदस्त तैयारी कर रहा है। ईरान को अच्छी तरह से पता है कि अगर इसराइल ने उसके हमले के बाद बड़ा पलटवार किया तो ईरान का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। इसीलिए ईरान इसराइल से अब आर पार की जंग करने पर आमादा है।